नमस्ते दोस्तों, और सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस एचटीएमएल सेशन में हम जानेंगे एक टेस्ट टाइप के बारे में जिसका नाम है फॉर्म टैग। कल हमने कुछ टेक्स्ट टैग्स डिस्कस किए थे, आज ये एक इम्पोर्टेंट टैग है टेक्स्ट टैग में, फॉर्म टैग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे और वो किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उसके साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो फॉन्ट टैग जो है ये बड़ा ही यूज़फुल टैग है। जब भी आपको कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करना होता है वेबसाइट पे, तो अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर में आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो अगर ये आप करना चाहते हो तो आपके लिए ये टैग बड़ा ही यूज़फुल टैग है। तो सोचेंगे कि अगर हमें फ्रॉन्ट टैग यूज़ करना है तो हमें किस तरह से उसे यूज़ करना चाहिए। तो ये जो टैग है, ये आपका जो टेक्स्ट है उसकी साइज़, उसका टाइप फेस, उसका कलर, ये पूरा मैनेज करेगा, ये पूरा एट्रीब्यूट कंट्रोल करेगा। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी आप कोई टैग यूज़ करते हो तो एंगल ब्रैकेट्स में आपको उसको यूज़ करना होता है। उसका एक स्टार्ट टैग रहता है, एक एंड टैग रहता है। और जब भी आप कोई टैग के साथ कुछ दूसरे पैरामीटर्स यूज़ करते हो सेटिंग के लिए, तो उन्हें हम एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। तो जैसे फ्रंट टैग के साथ जो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, जैसे साइज, फेस एंड कलर, तो साइज ये जो एट्रीब्यूट है वो आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये इसकी रेंज है 1 to 7। तो मतलब अगर साइज 7 है तो आपकी साइज जो है टेक्स्ट की वो ज़्यादा बड़ी दिखेगी, अगर साइज 1 है तो साइज आपकी टेक्स्ट की 1 यानी कम दिखेगी। तो आप चाहे तो रिलेटिव फॉन्ट साइज भी यूज कर सकते हैं, तो आप प्लस या माइनस साइन यूज करके नंबर के आगे पीछे, आगे बिफोर द नंबर, फिर आप वो जो साइज है वो रिलेटिवली भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसमें हम साइज, अलग अलग टेक्स्ट के अलग अलग साइज डिस्प्ले करेंगे। तो जिसमें पहले दिस इज साइज फोर टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हो किस तरह का टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा साइज फोर के लिए। तो अगर आप साइज इंक्रीज करना चाहते हो साइज 7, तो ब्राउजर पे जब भी आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो आपको इस तरह का डिस्प्ले मिलेगा। तो साइज 7 जो है उसमें बड़ा टेक्स्ट, आपको कोई हेडिंग देना है वेब पेज पे या फिर कुछ टाइटल देना है पेज का, तो आप हाइयर साइज यूज कर लो। और आपको जैसे जैसे आप पेज में नीचे आते हो तो साइज आपकी रिड्यूस हो जाएगी। बाद में आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये कलर जो है वो आरजीबी वैल्यू से स्पेसिफाई करते हैं। तो जैसे कलर के लिए ये वैल्यू एक कलर इज इक्वल टू हैश, और फिर आपको यहाँ पे एक हेक्स कोड देना होता है आरजीबी वैल्यू का। तो जैसे आप हेक्स कोड दोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है स्क्रीन पे कि येलो कलर में आपका टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वैल्यूज़ है और वो वैल्यूज़ आप सेट कर पाओगे। तो यहाँ पे हम, ये हेक्साडेसिमल नंबर है FFFF00, तो ये R, G और B मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू है। तो येलो और कलर के लिए हमें रेड और ग्रीन हाइयर रखना पड़ता है FFFF, और ब्लू की वैल्यू 0 रखनी पड़ती है, तब टेक्स्ट जो है वो येलो फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। तो आप अलग अलग वैल्यूज चेक करके आप अलग अलग कलर का जो टेक्स्ट है वो वेबसाइट पे डिस्प्ले कर पाओगे। फिर आपको एक फेस एट्रीब्यूट है, तो ये जो फेस एट्रीब्यूट है वो आपका टाइप स्पेस मतलब किस तरह से आपका टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए ये फेस एट्रीब्यूट डिफाइन करेगा, उसकी टाइप फेस की स्पेसिफिक वैल्यू वो डिफाइन करेगा। तो आप फेस के लिए जैसे एरियल यूज़ कर सकते हो या फिर कुरियर यूज़ कर सकते हो,
आप वर्ड में भी जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो अलग 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 फॉन्ट के नेम्स आते हैं, तो आप जो सुटेबल है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या फिर कुरियर, तो आप जैसा चाहे वैसा एट्रीब्यूट, ई एफ एस एट्रीब्यूट ले सकते हो। तो आपको इस तरह से लिखना होता है, फ्रेस इज इक्वल टू एपोस्ट्रोफी ब्रैकेट्स में आपको वो फॉन्ट का नाम लिखना पड़ता है। तो वो जो बाकी का टेक्स्ट आएगा फिर वो उसी हिसाब से स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो जो भी टाइप फेसेस अवेलेबल है उस हिसाब से ये टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। तो आपने जैसे देखा कि ये छोटे से प्रोग्राम में हमने तीन अलग अलग एट्रीब्यूट फॉन्ट टाइप के लिए यूज़ किए। वो करते वक्त पहले हमने फॉन्ट लिखा, फिर उसका साइज एट्रीब्यूट दिया, फिर यहाँ पे फॉन्ट टैग हमने एंड कर दिया। दूसरे लाइन में हमें दूसरा टेक्स्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रेक यूज़ किया है। तो फिर बाद में हमने साइज बदला है, फिर बाद में हमने कलर चेंज किया है, फिर बाद में हमने फेस एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू चेंज की है। तो इस तरह का प्रोग्राम आप HTML का तैयार कर लो कोई भी एडिटर यूज़ करके, और एडिटर यूज़ करने के बाद उसको सेव कर ले लो .html के फॉर्मेट में, और फिर उसको क्लिक करते ही आपका प्रोग्राम ब्राउज़र में एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर ब्राउज़र में पाथ सेट करके भी आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर विविंग द सेशन। होपफुली आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट टैग हमें किस तरह से वेब पेज तैयार करते वक्त यूज़ करना है।